बात करते हैं सदन के वासुदेव। राजस्थान में सत्ता बदली रिवाज कायम रहा और साथ ही सत्ता के पावर सेंटर के लिए वो सब जो जरूरी है सभी कुछ नया नया हो गया है। जी हाँ, राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार के शपथ ग्रहण और विधायकों की शपथ के बाद नया राजस्थान नए युग की नई इबारत लिखने की अग्रसर हो चुका है। अजमेर से उत्तर से 5 बार के बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं। अब देवनानी सदन के वासुदेव बन चुके हैं। खास बात ये रही कि उनके निर्वाचन प्रस्ताव को सीएम भजनलाल शर्मा ने पेश किया तो अनुमोदन कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किया है। रिपोर्ट देखिए। वासुदेव देवनानी निर्विरोध स्पीकर बने। स्पीकर पद पर आसीन होकर बने सदन के वासुदेव। सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुने गए देवनानी वरिष्ठ बीजेपी नेता अब 16वीं विधानसभा के स्पीकर। राजस्थान में सदैव स्पीकर का चुनाव होता रहा निर्विरोध। सीएम भजनलाल शर्मा ने पेश किया प्रस्ताव। टोंक एमएलए सचिन पायलट ने किया अनुमोदन। पूर्व शिक्षा मंत्री और अजमेर उत्तर से बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी गुरुवार को निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। देवनानी को स्पीकर चुनने के लिए विधानसभा में विरोधी माने जाने वाले नेता भी एक दूसरे के प्रस्ताव का समर्थन करते दिखे। इसके साथ ही विधानसभा की कार्यवाही 19 जनवरी 2024 तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सहित तमाम मौजूद विधायकों ने वासुदेव देवनानी को स्पीकर बनने की बधाई दी। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा के गरमा में ही पद पर आपके सर्वसम्मति निर्वाचन के लिए आपको हार्दिक बधाई देता हूं। राजस्थान विधानसभा की गौरवशाली परंपरा रही है कि विधानसभा के अध्यक्ष पद का निर्वाचन हमेशा सर्वसम्मति से हुआ है। मुझे उम्मीद है कि राजस्थान विधानसभा के गरिमापूर्ण इतिहास को आपकी अध्यक्षता में 4 चांद लगेंगे तथा आपकी अध्यक्षता में ये सदन राजस्थान के चौमुखी विकास का साक्षी रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि सर्वसहमति से आप इस पद पर विराजे हैं। और जैसा हमने देखा है कि सरकार में रहकर भी और विपक्ष में रहकर भी आपने जिस तरह से अनुशासित तरीके से हमेशा अपना, चाहे अब बात रखनी हो विपक्ष में या अपना आपका जो कार्यकाल था सरकार में रहकर, वो भी हमने देखा है और आपने हमेशा सही का साथ दिया है। तो अध्यक्ष महोदय, हम सब पूरा विश्वास है हम सभी को कि आप पूरे सदन को कि आप इस बार भी जो आप जिस तरह से सदन को आप संभालेंगे पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से और अनुशासित तरीके से आप पूरे सदन को संभालेंगे भी और आपका मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। तो मैं एक बार फिर से अपनी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा अध्यक्ष पद पर निर्विरोध आप निर्वाचित हुए हैं और इसलिए मैं हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगी। ये लगातार आपकी 5वीं बार जीत हुई है और हम लोग इस हाउस में एक साथ कई दिनों के लिए बैठे हैं। आप जैसा जनप्रिय, ईमानदार और समर्पित जनप्रतिनिधि हम लोगों के बीच पे आज इस कुर्सी पे बैठे हैं, इससे मुझे और हम सबको ये विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर हम आपकी ओर से न्यायोचित कार्रवाई हम सब के लिए, अब ये तो अभी कह ही रहे थे परंतु मैं समझती हूँ कि ये इनकी ही बात नहीं है, हम सब की बात है और हम सबको ध्यान में रखते हुए आप हम सबको मौका देंगे। राजस्थान विधानसभा में स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से करवाने की परंपरा रही है। स्पीकर पद पर चुनाव के लिए नामांकन भरा जाता है लेकिन विपक्ष में कोई नामांकन दाखिल नहीं करता, इसलिए सर्वसम्मति से बिना वोटिंग स्पीकर चुने जाते रहे हैं। इस बार भी उसी परंपरा को निभाया गया और देवनानी के सामने किसी ने भी नामांकन नहीं भरा। एक दिन पहले वासुदेव देवनानी ने स्पीकर के चुनाव के लिए नामांकन भरा। देवनानी ने 5 नामांकन भरे जिन्हें विपक्ष के वरिष्ठ विधायकों ने समर्थन दिया। विपक्ष के वरिष्ठ विधायक अशोक गहलोत देवनानी के प्रस्तावक और समर्थक बने थे। सदन के स्पीकर को चुनने के लिए अच्छी बात ये रही कि सदन में प्रस्तावकों का समर्थक
दूसरे दलों के नेताओं ने किया। इससे वासुदेव देवनानी को स्पीकर का आसन मिला। सबसे पहले सीएम भजन लाल शर्मा ने रखा प्रस्ताव। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और रालोपा विधायक हनुमान बेनीवाल ने रखे प्रस्ताव। सीएम भजन लाल शर्मा का प्रस्ताव सचिन पायलट ने किया समर्थन। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का प्रस्ताव बीएपी एमएलए राजकुमार रोत का समर्थन। डिप्टी सीएम दिया कुमारी का प्रस्ताव निर्दलीय एमएलए चंद्रभान सिंह आक्या बने समर्थन। आरएलपी एमएलए हनुमान बेनीवाल का प्रस्ताव, आरएलडी एमएलए सुभाष गर्ग बने समर्थक। इधर सदन के आसन पर विराजित होने के बाद स्पीकर वासुदेव ने विधायकों से अपील की कि सभी मिलकर प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य करते रहे। पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों ने निर्विरोध निर्वाचन में अपनी भूमिका निभाई, उसके लिए मैं उनको भी अपनी ओर से बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि इस परंपरा को उन्होंने कायम रखा। और उसके बाद जिस ढंग से प्रत्येक सदस्य ने, जिसमें प्रस्तावक भी थे, अनुमोदक भी थे, उसके बाद भी ऐसे लगभग मैं समझता हूँ 20 से अधिक सदस्यों ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की, उससे मैं अभिभूत हूँ कि सबने मेरे पर विश्वास व्यक्त किया। और जैसा मैंने उनको भी कहा, मैं मूलतः शिक्षक हूँ और शिक्षक के दायित्व परंपराओं से मैं भली भांति वाकिफ हूँ। और जब शिक्षक कभी भी अपने दायित्व के अनुसार कॉपियां जांचता है, न तो ऊपर रोल नंबर देखता है, न ऊपर कोई नाम देखता है, निष्पक्ष रूप से उस कॉपी को जांचता है, उसी प्रकार से सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ में जो निर्दलीय भी उसी में आ जाते हैं, मैं उन सब का पूरी तरह जो उनके अधिकार है संरक्षण रखूंगा। तो उधर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधायक सचिन पायलट ने भी स्पीकर देवनानी को बधाई दी और उम्मीद जताई कि सदन स्पीकर वासुदेव देवनानी के कार्यकाल में नजीर कायम करेगा। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस पद पर आसीन होने के लिए। और जैसा मुख्यमंत्री ने कहा कि परंपरा रही है सदन में कि हमेशा चुनाव सर्वसम्मति से हो, लेकिन इस बार जब विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और जिस गर्म माहौल में चुनाव हुए, उसके बाद जब स्पीकर के चुनाव की बात आई तो हम में से कुछ लोगों ने सोचा कि इस बार स्पीकर का चुनाव होगा। लेकिन फिर जब अखबार से पता पड़ा कि हो सकता है आपका नाम सामने आए, फिर हम सब ने मन बनाया अगर देवनानी जी बनेंगे तो चुनाव सर्वसम्मति से होगा। सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो स्पीकर के कंट्रोल में रहता है। स्पीकर जो नियम प्रक्रिया जो परंपरा जो चली आ रही हैं उनका निर्वहन करवाता है, और विशेष रूप से सत्ता पक्ष से भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि स्पीकर हमेशा विपक्ष के प्रति बहुत लिबरल रहता है, क्योंकि विपक्ष के पास में केवल एक हथियार होता है कि वो सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसमें कोई सुझाव देना हो या उसमें कोई कमी खामी हो या अपने अधिकारों की कहीं कोई अवहेलना हो रही है। इससे पहले सदन के प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ ने नदबई से बीजेपी विधायक जगत सिंह और बागीदोरा से कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया को छोड़कर सभी शेष 6 विधायकों को शपथ दिलाई। बहरहाल 16वीं विधानसभा का सत्र 199 विधायक के साथ अनुभवी विधायक मंत्री के बाद अब स्पीकर बने वासुदेव देवनानी मरुधरा के अग्रणी बनाने को लेकर सदन में सकारात्मक चर्चा करेंगे। वरिष्ठ संवाददाता दिनेश डांगी, लाल सिंह फौजदार और लोकेश ओला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सच में धड़क।